दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाहुबली के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानेंगे कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और आप लोगों को बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कितने रुपए का कारोबार किया था बॉक्स ऑफिस पर। वहीं बात करेंगे दूसरी फिल्म के बारे में, 2.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रजनी सर की फिल्म 2.0 के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और इस फिल्म का बजट क्या था, और इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कि यह मूवी कैसी हिट और ब्लॉकबस्टर हुई थी, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे KGF चैप्टर 2 के बारे में कि यह मूवी कब आ रही है बॉक्स ऑफिस पर, इस मूवी को क्यों पोस्टपोन कर दिया गया, और इस मूवी ने किस प्रकार क्रेज बनाया था, और इस मूवी को देखने के लिए फैंस कितने ज़्यादा उत्सुक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे, और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में भी बात करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल JVC ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसे लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड की और OTT प्लेटफॉर्म की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो वहीं बात करते हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें KGF चैप्टर 2 जो कि KGF चैप्टर 1 का सीक्वल है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें जिस फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर और टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसके टीजर ने बहुत ही जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा व्यू हासिल करे। और दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ऐसी कोई भी फिल्म अभी तक नहीं कम समय में इतना व्यू हासिल कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म का बस बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, और इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस ने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खत लिखा था कि हमको एक दिन की छुट्टी दीजिए। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा इस फिल्म का क्रेज़ है। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म को। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म को निर्देश कर रहे हैं प्रशांत नील। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म बहुत ही जोरदार है। दोस्तों, इस फिल्म को अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में आप लोगों को अधीरा के रूप में नजर आएंगे संजय दत्त, जो कि बॉलीवुड के बाप माने जाते हैं, वहीं नजर आएंगे रॉकिंग स्टार यश, और दोस्तों आप लोगों को बता दें श्रीनिधि शेट्टी भी इस फिल्म में नजर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों को पता चले कि बहुत ही जोरदार मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं अब बात कर लेते 2.0 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बता दें 2.0 का बजट लगभग 500 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में आप लोगों को नजर आए थे रजनीकांत सर, जो कि मेन कैरेक्टर में थे, वही नजर आई थी आप लोगों को एमी जैक्सन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एमी जैक्सन ने भी रोबोट का किरदार निभाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस फिल्म में नजर आया था। दोस्तों, वहीं बात कर लेते अक्षय कुमार। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार बहुत ही खतरनाक खलनायक के रूप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों पता चले कि इस फिल्म में दिखाया गया है किस तरीके से मोबाइल के रेडिएशन के कारण पक्षी लोग की मृत्यु हो गई है, और पक्षी लोग बहुत ही ज्यादा लुप्त हो गए हैं, और गौरैया चिड़िया एकदम ही नजर आती है। दोस्तों, इसी के ऊपर ये कहानी बेस है। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसने हिंदी वर्जन में पहले दिन कमाए थे 20 करोड़ 25 लाख का कारोबार किया था। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 2.0 मूवी ने पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, 710 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने कलेक्शन किया था। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन अच्छा खासा कलेक्शन किया और कमाया था 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर दोस्तों वही बात कर लेते हैं अब बाहुबली 2 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रभास की फिल्म बाहुबली 2, जो कि देश नहीं विदेशों में भी इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा सराहाया गया और पसंद किया गया, और दोस्तों इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म को राजा SS मौली ने बहुत ही जोरदार तरीके से बनाया है और डायरेक्ट किया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म को बनने के लिए कम से कम 3 साल लग गए इस फिल्म को बनने में। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह फिल्म बहुत ही जोरदार है, बहुत ही लाजवाब है।
इस फिल्म में एक्शन और दोस्तों आप लोगों को बता दी कि डायलॉग और दोस्तों कोरियोग्राफ, तो वही बात कर लेते हैं बाहुबली फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बाहुबली ने अपने हिंदी वर्जन में बहुत ही जोरदार तरीके से ओपनिंग ली थी और कमाया था 41 करोड़ रुपये। दोस्तों वही बात करते चले इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका बहुत ही जोरदार है और बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म ने 1700 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दें 1700 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए थे अपने वर्ल्ड वाइड में। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस हिंदी वर्जन में कितने करोड़ का कारोबार किया था इसने दूसरे दिन। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। जी हाँ दोस्तों 40 करोड़ रुपये कमाए थे। दोस्तों यह फिल्म बहुत ही बड़ी थी और अपने समय की बहुत ही सुपर डुपर फिल्म थी। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि प्रभास के जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है ये बाहुबली 2। दोस्तों वही बात करो, अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राधे ने अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार किया आप लोगों को बताएंगे। वहीं बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन और अपने दूसरे दिन ये फिल्म कितने करोड़ का कारोबार कर रही है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सलमान खान की ने अपने पहले दिन ही जी प्लेक्स पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया। इस फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से कमाई करी और बहुत ही जोरदार तरीके से ओपन। तो वही बात कर लेते हैं भाईजान ने अपने पहले दिन बहुत ही बम्पर कमाई करी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भाईजान ने जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कलेक्शन किया वो बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इन्होंने पहले ही दिन अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया दोस्तों 15 करोड़ रुपये का। जी हाँ दोस्तों, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि बाहुबली 2.0 और KGF जैसी फिल्में जो हैं वो डायरेक्ट सिनेमाघरों में रिलीज करी जाएगी, इसीलिए इस फिल्म से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों वही बात कर लेते हैं राधे फिल्म के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें राधे फिल्म जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है अपने दूसरे दिन अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और कमा रही है 21 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों दूसरे दिन बात कर लेते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों भाईजान की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दूसरे दिन कितने करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये 20 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं अपने दूसरे दिन। तो आपने राधे फिल्म और 2.0 फिल्म देखी है और साथ ही साथ आपने बाहुबली और KGF चैप्टर 2 तो अभी आने वाली है। अगर आप लोगों ने ये 3 फिल्में देखी है तो आप लोगों की तीनों फिल्मों में से सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल JVC ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।